हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आईपीएल के 12th मैच के बारे में बात करेंगे जो कि गुजरात और हैदराबाद के बीच होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टेबल में 7वें नंबर पर गुजरात है और 4थे नंबर पर हैदराबाद। दोनों ही टीमों ने अपने एक एक मैचेस जीते हैं, लेकिन हैदराबाद का रन रेट ज्यादा अच्छा है जिसकी वजह से वो टेबल में ऊपर है। लेकिन आज के मैच में अगर गुजरात जीतती है तो हैदराबाद को पीछे करके टेबल में टॉप 5 में आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम हैं TCTD Predictions, टेलीग्राम के दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट टिपिंग चैनल। पिछले 6 सालों से हम अपने पंटरों को सबसे बेस्ट काम देते आ रहे हैं। लॉस कट, बुक सेट और सेशंस या मैच विनर, हम हैं सबसे आगे और सबसे सटीक। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बाकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो कि बहुत ही बैलेंस्ड पिच है और बैटर और बॉलर दोनों को ही मदद करती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम 50% मैच जीतती है और वही पहले बॉलिंग करने वाली टीम भी 50% मैच जीतती है। हाईएस्ट टोटल देखें तो यहां पर अभी तक 233 रन हाईएस्ट बने हैं और वहीं 103 रन यहां के लोएस्ट स्कोर हैं। बाकी दोस्तों, वेदर रिपोर्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। लास्ट 5 मुकाबले देखें तो गुजरात ने सिर्फ अपने 2 मैचेस जीते हैं और वहीं हैदराबाद ने 1। और वहीं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो 2 मैचेस गुजरात ने जीते हैं और 1 हैदराबाद ने। साथ ही इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यह 6 खिलाड़ी इस मैच के इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो इन 6 खिलाड़ियों पर आप खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों, विनर की बात करें तो हमारे हिसाब से इस मैच में गुजरात जीतते हुए नजर आ रही है। और आपको टॉस और विनर की लेटेस्ट अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक नए मैच और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।